मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्रीय बजट पर प्रसन्नता जाहिर की। देवड़ा ने कहा, भारत सरकार के बजट में विकसित भारत दिख रहा है। जो भी लक्ष्य इस अंतरिम बजट में रखा गया है पूरा होता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के पश्चात बजट पेश किया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस अंतरिम बजट से प्रसन्नता हो रही है, इसमें विकसित भारत दिख रहा है। जो भी लक्ष्य इस अंतरिम बजट में रखा गया है वो पूरा होते नजर आ रहा है। 2027 तक विश्व में विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य मोदी जी ने रखा है वो पूरा करने के लिए ध्यान दिया जा रहा है। इस अंतरिम बजट में विशेष तौर पर गरीब महिलाएं, युवा और किसानों पर फोकस किया गया है। निश्चित रूप से सभी वर्गों के लिए समावेशी विकास पर ध्यान दिया गया है। विशेष तौर से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का भी इसमें जो लक्ष्य रखा है उसकी पूर्ति होते हुए इस अंतरिम बजट में दिखाई दे रही है कि वह लक्ष्य पूरा होगा। यह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और 2047 तक का जो लक्ष्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रखा है कि पूरे विश्व में विकसित भारत के रूप में भारत हमारा नंबर एक पर रहे, इस लक्ष्य को पूरा करने का भी पूरा ध्यान इस अंतरिम बजट में रखा गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।